क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी भी सीरीज के सम को फाइंड आउट करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है, और उस सम को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ जाए तो वो और भी मुश्किल भरा काम होगा। तो आज हम ज्योमेट्रिकली सोचने की कोशिश करेंगे कि जिन स्पेशल सीरीज को हम जानते हैं ज्योमेट्रिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है और ज्योमेट्रिकली आप उसके सम को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने जो सीरीज पिक की है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। दैट मींस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को हम पिक करने जा रहे हैं, और देन हम इसका सम प्रूफ करके दिखाएंगे कि n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इसका सम है। हम एक क्यूब कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट 1 सेंटीमीटर है। अगर आप इसके वॉल्यूम के बारे में मुझसे पूछोगे तो हम इसके वॉल्यूम को लिख सकते हैं 1 into 1 into 1। हालांकि ये 1 क्यूब है बट मैं इसे 1 स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूं। इसका रीजन आप जान जाओगे जैसे जैसे करके मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा। अब आप एक न्यू क्यूबॉइड कंसीडर करोगे जिसकी लेंथ एंड विड्थ 2:2 होगी बट हाइट को हम फिक्स रख रहे हैं जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर की। अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे तो इसका वॉल्यूम है 2 into 2 into 1, दैट इज 2 स्क्वायर। इसी तरीके का एक थर्ड क्यूबॉइड हमने कंसीडर किया एंड इन द सेम वे आपने एक फोर्थ क्यूबॉइड कंसीडर करना है। अब आपके सामने जो ये 4 क्यूबॉइड्स हैं और आप अगर इन सबको एक इंगेज कर देते हो और एक ऐसा नया सॉलिड क्रिएट करते हो और उस सॉलिड के वॉल्यूम के बारे में अगर आप बात करोगे तो मैं ये कहूंगा कि उसका वॉल्यूम जो होगा इन सभी वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होगा। नाउ अब आपने ये जो सॉलिड क्रिएट किया है इसी तरीके के 2 और सॉलिड आपको कंसीडर करने होंगे। ये जो 3 सॉलिड्स हमारे पास हैं हम इनको अटैच करने जा रहे हैं और एक न्यू सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हालांकि क्यूबॉइड तो नहीं है बट लेटर ऑन हम उसको क्यूबॉइड में कंसीडर करेंगे, क्यूबॉइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने सॉलिड क्रिएट किया है इसका वॉल्यूम है 3 times of 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square। जो टॉप लेयर है अगर आप उसको रिमूव कर दो तो आपका ये जो सॉलिड है क्यूबॉइड बन सकता है। बट इसको क्यूबॉइड बनाने का एक और तरीका है, अगर हम टॉप लेयर को क्या कर ले, स्प्लिट कर दें हाफ में और जो बचा हुआ हाफ है अगर हम उसको स्प्रेड कर दें टॉप लेयर पर तो भी वो एक क्यूबॉइड बन सकता है। तो अब आप देख पाओगे कि जो क्यूबॉइड हमने कंसीडर किया है ये एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम रखता है क्योंकि हमने इसमें कोई भी नया पीस नहीं जोड़ा है। और अगर आप इसके वॉल्यूम की मुझसे बात करोगे तो आप देखोगे कि इसकी लेंथ 4 है, विड्थ 5 है बट हाइट इसकी 4 plus half है क्योंकि आपने एक कंप्लीट क्यूबॉइड क्यूब को हाफ में ब्रेक करके उसे स्प्रेड कर दिया है टॉप पे, इसीलिए इसका वॉल्यूम इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है इसी को लिखने का एक और वे हमने देखा। अब आप देखोगे कि हम यहां से जो 3 है अगर आप उसे राइट साइड में डिवीजन में भेज दो तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का लगेगा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सम को,
फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का अगर आपने सम निकाला है तो वो बिल्कुल इसी तरीके का दिख रहा है। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते जाएं और हायर ऑर्डर में आपके फिगर्स बनते जाएंगे तो आप हमेशा ये बात प्रूफ कर पाओगे इन जनरली कि आपका सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो इक्वल है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। सो फाइनली हमने इसको प्रूफ कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।